तो दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज अपने फेज 3 की एंडिंग एक बहुत सुपरहिट मूवी से कर रहा है जिसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम। अब देखना यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में ऐसे कौन से विलेंस इंट्रोड्यूस होंगे जिनकी बराबरी हम लोग थैनोस से कर सकते हैं। अगर फैंस के ओपिनियन पर नजर डाली जाए तो फैंस के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग फेज 4 में हमें देखने को मिल सकते हैं गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और अनायलस। लेकिन अभी कुछ लोग का ये भी कहना है कि हो सकता है फेज 4 में फेज 3 के विलन्स ही आए, यानी जो फेज 3 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो आगे जाके फेज 4 में भी कंटिन्यूटी बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल स्क्रल्स। अब आप लोग कहेंगे स्क्रल्स का नाम मैंने क्यों लिया? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्क्रल्स कैप्टन मार्वल के ट्रेलर में इंट्रोड्यूस हुए थे तो हम सबको लगा था कि स्क्रल्स ही बुरे हैं, लेकिन बाद में जब हम लोग कैप्टन मार्वल मूवी देखे तो हम लोग को स्क्रल्स की असलियत पता चली। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरे के पूरे स्क्रल्स ही अच्छे हैं, क्योंकि स्क्रल्स एक एलियन रेस है और उसमें से कुछ परसेंट स्क्रल्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरी जो स्क्रल्स है उन लोग का यही ऑब्जेक्टिव होता है मार्वल कॉमिक्स में कि जो बाकी प्लानट है उन पर जाके कब्जा जमाना। लेकिन अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्होंने स्क्रल्स को स्टार्टिंग में तो भले ही अच्छा दिखाया, यानी फेज 3 में भले ही अच्छा दिखाया, लेकिन फेज 4 का अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो देखना ये है क्या फेज 4 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्क्रल्स को अच्छा दिखाता है या फिर स्क्रल्स को एज अ सुपर विलेन इंट्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अगर स्क्रल्स की कैटेगरी को देखा जाए तो स्क्रल्स की दो कैटेगरी है। एक है नॉर्मल स्क्रल्स जो कि हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिखे थे, एक होते हैं सुपर स्क्रल्स। अब अगर मैं नॉर्मल स्क्रल्स की बात करूं तो ये लोग सामने वाले की फिजिक कॉपी कर सकते हैं, सामने वाले का अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत उनकी जो मेमोरीज होती है वो भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सुपर स्क्रल्स की बात करूं तो अगर ये किसी की कॉपी करते हैं तो उनकी सुपर पावर भी कॉपी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुपर स्क्रल्स कैप्टन अमेरिका की कॉपी करेगा तो कैप्टन अमेरिका की सुपर स्ट्रेंथ उस सुपर स्क्रल्स में आ जाएगी। अगर कोई सुपर स्क्रल्स हल्क की कॉपी करेगा तो उस स्क्रल्स में हल्क की स्ट्रेंथ आ जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। अगर ढेर सारे स्क्रल्स वाकई में अर्थ पे आ गए फेज 4 में और जितने भी सुपर हीरोज हैं, यहाँ तक कि सुपर विलन्स हैं, उनकी भी ये लोग कॉपी करने लगे तो हमारे एवेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनको रोकना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में सुपर स्क्रल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे कि नहीं? आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।